Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today's vlog. Hope you all are doing absolutely well. You already read by the title. आज के vlog में मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ. तो हम आज चलने वाले हैं भोपाल के सबसे बड़े विंटर मार्केट इज्तिमा में. ये हर सर्दियों में भोपाल में लगता है. यहाँ से दूर दूर देशों से लोग आते हैं. मोमेडियंस लोगों का ये मार्केट है और ये बहुत बड़े स्केल पे लगता है. और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको विंटर्स की मिल जाएंगी. कोट्स मिल जाएंगे, ब्लेजर्स मिल जाएंगे, जैकेट्स मिल जाएंगे, टॉप्स मिल जाएंगे. और इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है जस्ट 15-20 रुपीस से. तो ये बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल भी होता है. आज से कई साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन अपने कॉलेज डेज में थी ना, तब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी. उसके बाद से मैं अभी तक नहीं गई हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ये वाली जो स्वेट शर्ट आप देख रहे हो, जो आपने मेरे चैनल पर बहुत बार मुझे पहनते हुए देखा है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है. ये लूज़ है, बैगी है, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा गर्म भी रखती है ये. सो ये मैंने बाय की थी वहाँ से जस्ट 400 रुपीज़. तो अगर आप ढूंढोगे भी ना, तो कभी कभी आपको ब्रांडेड चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी. बस आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, थोड़ी हसल करनी पड़ती है. वही हसल करने आज हम जाने वाले हैं. सो मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ. एंड ऑल्सो आज जितनी ठंड ना लगी नहीं है. बाय द वे आज क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस. ये व्लॉग तो आप लेट देख रहे हो, इसलिए मैंने विश करने का कोई सेंस नहीं बनता है. बट बताना है आपका क्रिसमस कैसा गया. सो आज बहुत एक्सट्रीम लेवल ठंड है. आज हवा के साथ ठंड लग रही है. सो मैंने ये सिर्फ एक स्वेट शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी क्राउड होगी. तो मैं सपोज कर रही हूँ कि वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग. और ये सच में गर्म करके रखती है, इसलिए मैं इस पर ट्रस्ट कर रही हूँ. बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें. और अगर आप भोपाल से हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें. एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई ऑलरेडी डिड माई स्किन केयर. और मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ. सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर लिया है क्योंकि फेस ओपन करना नहीं है. कोविड के केसेस वापस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रिकॉशंस लेना ज़्यादा बेटर है. ये वाला जो प्लान है ना इस्तेमाल जाने का, वो डिले होने वाला था कल पे, बट मैंने सोचा काल करे सो आज कर, क्योंकि हमें नहीं पता एक दिन में ही क्या चेंज हो जाए. मैंने कहा आज ही जाते हैं. बट प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें वापस से वो सारी चीज़ें झेलनी पड़े. और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि लॉकडाउन हो यार, वापस से सारा फन चला जाता है जीवन का. वैसे भी मैं तो घर पर रहती हूँ, लेकिन फिर भी एज अ बिजनेस पर्सन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें ऑफ हो. तो फिलहाल आप भी सारे प्रिकॉशंस लें. आप किधर भी जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी करें ना, सारे प्रिकॉशंस ले लेना. आप मास्क ज़रूर लगा लें, वो सबसे पहला प्रिकॉशन है. सैनिटाइज़र रखें अपने साथ. फिलहाल मैं बोल रही थी कि मैं मेकअप ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फेस कवर ही रखने वाली हूँ ऑल द टाइम, बट फॉर माई सेटिस्फेक्शन. क्योंकि अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो मुझे सब अच्छा लगता है. सो मैं बेस कुछ भी नहीं करने वाली हूँ. मैंने अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया. जैसे अपना लिक्विड ब्लश अप्लाई करूँगी, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है फेस पे, पता है. अगर आपने कुछ नहीं भी अप्लाई किया हो ना, सो अगर सिर्फ इसको लगा लो, बहुत नेचुरल सा ग्लो देता है आपके फेस पे. सो आई लव यूजिंग दिस. बाय द वे, ये था अर्थ रिदम का चीक एंड लिप टिंट. एंड आई डोंट नो ये कौन से वेरिएंट में है, बट इसमें 3-4 शेड आते हैं, तो आप चेक कर सकते हो. इसी को थोड़ा सा आईलेट्स पे भी लगा ले रही हूँ मैं. आई थिंक थोड़ा सा अनइवन हो गया, इधर ज़्यादा हो गया है. सो आई एम गोना बिल्ड दिस. अगर आपको कैमरे पे थोड़ा सा भी ज़्यादा दिख रहा है तो डोंट वरी, ये सेट हो जाएगा अपने आप. इसके बाद आई एम गोना अप्लाई सम मस्कारा. लाइनर वाइनर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं. जब तक मेरा मस्कारा फैले नहीं, हो ही नहीं सकता है कि मैंने मस्कारा लगाया है. अगर मस्कारा छुड़ाना है ना आपको, अगर आपका मस्कारा भी ऐसे फैल जाता है तो उसको ड्राई होने दो. ड्राई होने के बाद आप निकालोगे तो निकल जाएगा. गीले में ही अगर वो वेट है, आप उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे, वो फैलेगा और भी बेकार कर देगा आपके मेकअप को. सो वो ना करें. लास्ट थिंग आई एम अप्लाइंग इज द ग्लॉस. लिपस्टिक लगाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है. सो मैं ये पॉप एक्सो का लगाने वाली हूँ, ग्लॉस इन दी शेड फ्रॉस्टिंग. या अगर आपको इसका शॉर्ट्स देखना है ये ग्लॉस कैसे हैं, ये पैक ऑफ 3 में आता है, तो मैं शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ, वो चेक कर लेना आप. सो
एंड वी आर डन। अब मैं आपको मिलती हूँ फुल अपने हेयर वेयर बना के। आई एम ऑलरेडी, मैंने पूरे बाल टाई कर लिए हैं क्योंकि आई डोंट लाइक डिस्टर्बेंस। ये जैकेट लिया है क्योंकि स्कूटी में तो हवा लगने ही वाली है, उससे बचने के लिए। एंड ऑल्सो टेकिंग दिस बैग जिसकी हालत थोड़ी अभी खस्ता हो रही है, बट ये सामान रखने के भी काम आएगा। सो या लेट्स गो। दिव्या इज हेयर। सो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और जिसको नहीं पता कि इस्तेमाल कहाँ लगता है, तो एशिया की एक मस्जिद में से सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के जस्ट सामने इस्तेमाल लगता है। तो ये रही मसाजिद और ये रही इस्तेमाल, और ये रही पार्किंग। हमने पार्किंग में प्रॉपर पार्क किया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। 10 रुपये की पार्किंग है तो इट्स गुड। तो जैसे कि आपने सुना, आप जैसे इस्तेमाल में घुसेंगे आपको ऐसी आवाज़ें बहुत सुनने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में ही आपको स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे स्ट्रेट, आपको यहाँ पे मिक्स शॉप्स मिलेंगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे कंबलों की शॉप इस बार बहुत लगी है, 250 रुपये किलो में कंबल मिल रहे थे यहाँ पे। आपको यहाँ पे जूतों की दुकानें मिल जाएंगी। जूतों की जो रेंज है वो शुरू होती है 100-150 से, और बाकी आपकी रेंज के हिसाब से जाता है बार्गिंग करके, और आप सस्ते में भी ले सकते हो। यहाँ पे बर्तनों की दुकानें भी थी इस बार, और इसके साथ साथ एक आध सिर्फ दुकान यहाँ पे डेकोरेशन की भी थी। आप मटेरियल ले सकते हो डेकोरेशन का। यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा फूड स्टॉल लगा है, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा, तो अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद धीरे धीरे आप अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम्स की भी शॉप मिलेगी, और स्वेट शर्ट नॉर्मल, इस बार समर शर्ट्स का भी बहुत सारा कलेक्शन था मार्केट में। हम लोग जैसे जैसे अंदर गए, हम लोगों ने धीरे धीरे यहाँ का स्टॉक देखना शुरू किया। दिव्या को ये पिंक वाला ब्लेज़र बहुत पसंद आया था, और ये मुझे भी बहुत पसंद आया था। एक तो ये कलर बहुत इन है, हॉट पिंक कलर था, और ये शॉर्ट था थोड़ा सा, बट मेरे साइज़ में नहीं था। दिव्या के लिए परफेक्ट था, 300 इन्होंने बोला था, बट दिव्या इज़ लाइक कि ये बाहर पहन के मैं नहीं जा सकती, ये सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए अच्छा है। अगर ये मेरे साइज़ में होता तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करती, लाइक मुझे तो फ़ोटोज़ के लिए ही काम आता है ये, और मुझे लेना था, बट ये मेरे साइज़ में नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया। बट यहाँ पे वैरायटी काफ़ी थी। यहाँ पे हम जीन्स के लिए हसल कर रहे थे, गर्ल्स जीन्स स्ट्रेट मार्केट में जब आप सीधे जाते तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे मैं बताती हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे शर्ट्स के कलेक्शन थे, यहाँ से मैंने कुछ शर्ट्स पिक किए हैं जो कि मैं आपको आगे व्लॉग में शो करूँगी। ये वाली शॉप ना एकदम एंड में है, एकदम एंड में, तो आपको बिल्कुल एंड तक जाना पड़ेगा अच्छा सामान लेना है अगर आपको। तो ये वाली जो दिव्या ने पहनी है वो इसने खरीदी है। यहाँ पे बॉटम्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था, दिव्या ने अपने लिए 2 लिए हैं घर पहनने के लिए, और काफ़ी अच्छा मटेरियल था। ऐसी बड़ी बड़ी शॉप्स काफ़ी लगी हैं। लोवर्स में आपको विंटर के लोवर्स भी मिल जाएंगे, और बहुत अच्छा कलेक्शन है इस बार। बीच में एक प्रॉपर लेन आती है जहाँ पे आपको ज्वेलरी मिलेगी, प्लास्टिक का सामान मिलेगा, 10 रुपये वाला सामान मिलेगा जो 10 रुपये हर माल चलता है, पर्स मिलेंगे जो कि 200 रुपये से शुरू, और यहाँ पे हर वेराइटी के आपको पर्स मिलेंगे। स्लिंग बैग मिलेगा, और आपको साइड बैग मिलेगा, बड़ा से बड़ा बैग मिलेगा, बच्चों वाला बैग मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर जो सेपरेट मार्केट है वो इसी चीज़ों का है। इसके बाद धीरे धीरे जब हम अंदर गए तो यहाँ पे हमको एक शॉप मिली जो कि प्रॉपर जीन्स की ही शॉप्स थी। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ जीन्स अवेलेबल थी, तो आप एक बार यहाँ पे आके देख सकते हो। फिर ये वाली जो शॉप थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जैकेट्स मिल रही थी, सिर्फ 150 रुपये में स्टार्ट थी, और रेंज के हिसाब से वो आगे 500 तक भी जा रही थी। आप बागिंग करोगे तो कम करोगे। दिव्या, आर यू हैप्पी विथ योर शॉपिंग? हाँ। शॉपिंग करके हम लोग गए चाय पीने भोपाल के फेमस राजू टी स्टॉल पे, जहाँ की चाय पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं थी। हम लोग ने चाय पी और उसके बाद हम अपने अपने घर के लिए निकल गए। आपको घर पे मिलती हूँ अब। और बेटी पुष्पा कहाँ गए थे अपने गधे पे सवार होके? किसके बर्थडे में गया था तू? दोस्त का बर्थडे था, तभी तो गया था मैं। तू तो बोल रहा था कि मैं गया हूँ अपना शेफ कोर्ट। शाम के 5 बजे शेफ कोर्ट का काम करवाने जाऊंगा मैं। झूठ बोल किधर जाता है तू? मम्मी को बताने गया था इंद्रपुरी जा रहा हूँ। इंद्रपुरी क्यों जा रहा है ये बता के गया था कि बर्थडे में जा रहा है? बर्थडे में तो तू खा के आया होगा केक प्लेट। नहीं, कॉलेज में आके वैसे वाले बर्थडे पार्टी में क्या दिया था तू? दारू वारू पिला रहे थे क्या? तू पी के आया है? मम्मी पी के आया, चप्पल मारू सबसे पहले।
शुद्धि कराओ इसकी। देसी और ओल्ड मॉन्क। पापा आप देख रहे हो ना ये व्लॉग? पापा मेरे सारे व्लॉग देखते हैं बेटा। देसी पापा और जीजा जी दोनों मेरे सारे व्लॉग देखते हैं। जीजा जी को तो मजा आएगा। देसी ओल्ड मॉन्क आरसी ग्लेनलिवेट और ऐसे करके बहुत सारे दोस्तों इसके स्कूल में इसको बार सेक्शन पूरा सिखाते हैं। हाँ सॉरी कॉलेज में, इसलिए इसको सारे नाम पता है। ठीक है, जिस दिन पी के आएगा उस दिन ये सारी जो थी वो कल शाम को 6 बजे से लेके 12 बजे तक बैठ के पियेंगे ट्रिनिटी कॉलेज के पास। मेरे को बुलावा था, मैं कब है, मैं लेट हो जाऊंगा। आज बर्थडे में क्या खा के आया? मोमोस। सनम बेबफा पहली फुर्सत में निकल लो यहाँ से। 9:15 आगे की वीडियो में भी टाइम लगेगा, तुम्हें पता है 9:30 तक तो लगेगा। तेरे तो चंडा नहीं था, मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। भंगार। हाय गाइस, मुझे आए हुए काफी समय हो गया है। मार्केट में बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, इसलिए सारा व्लॉग आपने वॉइस ओवर में देखा। मैंने कोशिश की कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा पाऊं कि क्या क्या अवेलेबल है, आप क्या क्या बाय कर सकते हो। द बेस्ट थिंग ना, पहले क्या होता था कि लोगों के पहने हुए कपड़े, डिफेक्टिव कपड़े ज्यादा मिलते थे, बट इस बार मार्केट में लोग फ्रेश माल बेच रहे हैं खरीद के भी, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा। सो वो भी अवेलेबल था, तो आप चेकआउट कर सकते हो, जाके आपको काफी फ्रेश चीजें भी देखने के लिए मिलेगी काफी रीजनेबल प्राइस में। मैंने क्या क्या बाय किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम पूरा पूरा लेजिट पूरा एक एक कोना घूमे हैं, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। मतलब मेरी जो प्रेफरेंस थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, सो हमने पूरा घूमा। उसके बाद कुछ चीजें मुझे मिली हैं, वो मैंने बाय किए, तो वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ विद द प्राइस। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है ये ऐसा एक जैकेट टाइप का, और ये मुझे घर पहनने के लिए चाहिए था। और ये ना काफी ऐसा लाइक मेरे को बहुत प्यारा लगता है, ऐसे जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। सो इसमें पॉकेट्स भी है, ये सबसे अच्छी बात है, और घर पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल है, लूसा है एकदम। एंड आई जस्ट गॉट दिस फॉर 150 रुपीज, और उसके हिसाब से ये वर्थ है बिल्कुल। इसमें काफी अच्छी पॉकेट्स दी हुई है, डिटेल भी मुझे अच्छी लग रही थी, कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे ये पसंद आया, सो मैंने ये ले लिया। सेकेंड थिंग आई बॉट इज दिस ग्रीन जैकेट। सो इस शॉप पे ना काफी अच्छे 150 रुपीज में स्वेटर्स मिल रहे थे, और हमने उसी में से वो वाला निकाला। फिर ये वाला जो जैकेट है, ये ग्रीन जैकेट, ये टंगा हुआ था जस्ट, और मुझे ये पसंद आ गया, तो मैंने बोला कि ये दे दो, तो उन्होंने 350 बोला था इसका। बट बार्गेन करते करते लाइक आप अगर बार्गेन करोगे, आप अगर ढूंढोगे तो आपको अच्छी चीज मिल जाएगी, और आप बार्गेन करोगे तो काफी बार हो भी जाएगी। तो आई जस्ट गॉट दिस जैकेट, दिस ग्रीन जैकेट। काफी डिफरेंट सा पैटर्न है इसका, ये प्रॉपर गर्म तो नहीं करेगा लेकिन काफी डिफरेंट सा पैटर्न है। इसको आप सूट कुर्ते पे भी डाल सकते हो, नॉर्मल भी पहन सकते हो। इसमें पॉकेट्स भी हैं, इसकी चेन की डिटेल से मुझे अच्छी लगी, एकदम फ्रेश था। सो ये मुझे जस्ट पड़ा 200 रुपीज का, उन्होंने 250 लगाया था, 300 लगाया था, बट आई जस्ट गॉट फॉर 200 रुपीज। 200 bucks के हिसाब से इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, तो मुझे ये पसंद आया। क्या बोल रही हो? चला लो, मैं बंद कर ले रही हूँ थोड़ी देर। नेक्स्ट मैंने परचेस की अपने लिए 2 shirts, और इस शॉप की ना एक स्टोरी है। सबसे पहले हम इसी शॉप पे गए थे, इसका हमें बहुत सारी चीजें पसंद आई थी। एक वुलन वाली शर्ट पसंद आई थी, काफी हैवी थी और बहुत अच्छी लगी थी, लाइक वो कोट जैसा भी काम करता और चेक्स पैटर्न में ही था, बट वो 200 से कम ही नहीं कर रहा था, जबकि हम 3 sets ले रहे थे। तो हमको ये था कि 150 में भी दे देगा तो चलेगा, क्योंकि उसकी जो अदर क्वालिटीज थी ना वो 150 लाइक थी, और एक जो थी वो 200 लाइक थी, बट वो कम ही नहीं कर रहा था। तो हम ठीक है पूरा मार्केट घूम के आते, उसके बाद हम इसके पास आएंगे। लास्ट में हम उनके पास गए, सो हमने बुलन वाली पसंद की थी, तब तक मैं ऑलरेडी 2 jackets ले चुकी थी, तो मैंने वो बुलन वाली डिच कर दी और मैंने 2 shirts ले ली। एंड फिर दिव्या ने भी एक शर्ट ले ली, तो फिर हमने करते 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 उनको 150 में मना लिया, और हम 450 में 3 shirts लेके आ गए। तो फर्स्ट जो शर्ट है ना वो ये है, व्हाइट एंड ब्राउन चेक्स में, ये ओवरसाइज शर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद आई एंड आई लव वेयरिंग शर्ट, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। और ये वाली जो है ना इसको मैं काफी वेरियस टाइप में स्टाइल कर सकती हूँ, वीडियोस के लिए भी मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट वाली जो ये शर्ट है ना, ये मुझे बहुत ओवर साइज हो गई, लाइक मेरे साइज के बाद भी ये डबल एक्सल है,
तो आई डोंट नो मैं इसे बाहर वेयर करने वाली हूँ कि नहीं। ये ओपन में फिर भी अच्छी लगेगी, बट ये बहुत ओवर साइज है तो मैं इसको अल्टर कराऊंगी। अल्टर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको सिर्फ वीडियोज में यूज करने वाली हूँ और फोटोज के लिए यूज करने वाली हूँ, अदरवाइज मैं इसको बाहर नहीं पहनने वाली हूँ। सो ये दो परचेस थी मेरी। और हाँ, दोनों ही शर्ट्स जैसे मैंने बताया 150 की पड़ी। नेक्स्ट गर्ल्स जीन्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट, मिल ही नहीं रही थी किधर भी। तो मैंने एक टाइम के बाद तो होप छोड़ दी थी कि मुझे जीन्स तो नहीं देखनी है, मैं अपर्स देखूंगी। बॉटम्स के साथ ये दिक्कत होती है ना, चेंजिंग रूम्स नहीं होते हैं तो आप चेंज करके नहीं देख सकते, आपको अनुमान पे लेना पड़ता है और आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी। एक जगह किसी ने बोला यहाँ पे गर्ल्स जीन्स मिल रही है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो फिर हम वहाँ पे गए और मुझे जीन्स दिखी। सो मैंने ये वाली दो जीन्स ली हैं, एक ये ब्लू कलर में है और ये देखने में लग रही है कि ये ओवर होगी या लूज होगी, बैगी होगी, बट ये नहीं है, ये मुझे फिट पे हैं एंड मुझे इसका जो फिट है वो अच्छा लगा, पसंद आया, कलर भी पसंद आया। थोड़ी सी और बड़ी होती ना तो ज्यादा अच्छी होती, लेकिन उस टाइम पे जब हमने नापा था तो वो एकदम मेरे एंकल पे आ रही थी और मुझे लगा था कि ठीक है शूज के साथ अच्छी लगेगी, बट पहनने के बाद थोड़ी सी और ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर पहनती हूँ। सो ये वाली जीन्स ली हमने। उसके बाद हमने ली है एक ब्लैक जीन्स, ये भी मुझे लग रहा था थोड़ी तो बैगी होगी ही होगी। और द बेस्ट पार्ट ना, इसकी कमर पे ना ऐसे इलास्टिक लगी हुई थी, सो इससे बहुत अच्छा फिट आ रहा है, ये आपकी बॉडी को बिल्कुल हग कर रहा है। ऊपर से ये मटेरियल जो है ना वो स्ट्रेचेबल है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैंने इसको पहन के देखा ये तो प्रॉपर मेरी बॉडी को हग कर रही थी और मुझे लग रहा थोड़ी लूज है, तो बस वही चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक जीन्स थी। मैंने इसको लूज सोच के लिया था कि थोड़ी सी मुझे लूज होगी, बट एकदम प्रॉपर फिट है। बट नॉट टू वरी, क्योंकि एक ब्लैक जीन्स काफ़ी काम कर देती है। मेरे पास एक ब्लैक जीन्स है जिसको मैं हमेशा पहनती हूँ, तो मेरे पास अल्टरनेट हो गया और इसका फिट बहुत अच्छा है। और दोनों ही जीन्स मुझे 200 रुपीज की मिली है, तो 200 रुपीज में जीन्स मिल रही है जिसका फिट भी अच्छा है, तो इट्स अ गुड डील। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठीक रहा। मुझे इस बार स्वेटशर्ट उतनी अच्छी नहीं मिली जो फर्स्ट टाइम में मिली थी, जो कि मैं आज भी वेयर करती हूँ, बट आई एम हैप्पी विद माई परचेस, मुझे अच्छी लगी। और अगर आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप ऐसे ब्लॉग आगे भी देखना चाहते थे, मेक श्योर कि आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, होप यू एंजॉयड, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। जो भी मैं परचेस करके लाई हूँ आपको उसमें से सबसे अच्छा क्या लग रहा है कॉमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपने ध्यान रखें, अपने आसपास के ध्यान रखें, खुश रहें। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस, सुनिए आते रहकर, प्यार देते रहकर, अच्छा लगता है।